नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से लाए गए चीते वहां पर पहुंचाए जा चुके हैं, जिसका काफी दिनों से इंतजार हो रहा था। लेकिन अब उनके भोजन की व्यवस्था की बात सामने आई तो फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान से इन चीतों के लिए अब चीतल भी पहुंचाए गए हैं। शासन के निर्देश पर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 500 चीतलों को शिफ्ट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल पेंच टाइगर रिजर्व से पहली दो खेपों में 57 चीतलों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान शिफ्ट किया जा चुका है। पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंच टाइगर रिजर्व से इन चीतलों को बोमा तकनीक से पकड़कर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जा रहा है और आगामी दो महीनों में सभी 500 चीतलों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान शिफ्ट कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की ओर से कूनो नेशनल पार्क में चीता का री ट्रांसलोकेशन कार्य किया जा रहा है। ये 8 चीते अफ्रीका के देश से यहाँ पे लाया जाएगा और 17 सितंबर को हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनका छोड़ा जाएगा। इसके लिए जो वहाँ पे उनके भोजन के लिए जो हर्बीवोर जानवरों की व्यवस्था करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पेंच टाइगर रिजर्व को 500 चीतल भेजने का लक्ष्य दिया गया है। अभी हम लोगों ने वहाँ पे 57 चीतल भेज चुके हैं और 1 से 2 माह के बीच में ही पूरा हमको लक्ष्य पूरा करना है। वन विभाग के यह एक बहुत महती कार्य योजना है और इस योजना को सफल बनाने में हमारे पेंच टाइगर रिजर्व का भी योगदान रहेगा।